अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टे विद एमन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी ठीक है, आप लोग गाँव से और अल्लाह पाक के करम से। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रूट कस्टर्ड, ठीक है। और उसके लिए मैंने हाफ के जी जो है यहाँ पर दूध लिया है, और ये मैंने दूध गर्म होने के लिए, बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 4 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी की ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चीनी ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट छोड़ेंगे। आधा कप दूध लिया, उसमें ये कस्टर्ड 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए, और वो इस तरह से ऐड करके इसमें मैंने मिक्स कर दिया। और इसमें ऐड करेंगे, और इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ चम्मच चलाते जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये कस्टर्ड है ये इतना तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, तो हमें इसे 1 से 2 मिनट और जो है इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे कि हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और अब इसे हम एक डिश में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमने डिश में इसे निकाल लिया है, और इस तरीके से इसे कवर करके हम इसे फ़ैन के नीचे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर कस्टर्ड जो है हमारा ठंडा हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम फ्रूट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, बनाना और एप्पल लिया है। फ्रूट्स की कोई वो नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट ऐड कर दिए हैं, तो हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है बिल्कुल तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।